मातारे वास्ते शपन पियाले आबू सोमनो शंकर पेड़ी सड़िया और बारी बारी आबू धामने नायो प्रातक्ष जड़िया आबू हाथ भाई है हिमालय नीलगिरी आबू ये हाथ भाई है। सात भाइयों में छह भाइयों ने राजा की पदवी थी। आबू राज वो बाद में बनी हो, बाकी सब राजा था। और आबू जिन जगह आज है उठे ऋषि मुनियों की कुटिया थी, आश्रम था। और हर ऋषि मुनि हर संतों रे आश्रम में एक एक गाय राखता। पहला क्यों राखता? क्योंकि गाय रो गोबर रोज वे तीन बार यज्ञ हवन करता, लीपन करता, गौमूत्र थी उठे शुद्धिकरण करता। अब समय अड़ो आई गयो, माइक दो, दो मिनट हो प्लीज। हेलो, समय अड़ो आई गयो के रोज जिन जगह आबू पर्वत है अरे उठे रोज री एक गाय दो गाय उन ब्रह्म खाड में पड़ती और खत्म भेजाते। अरे अरे ऋषि मुनि जय हो इन बड़ा बड़ा पर्वतों आह्वान की दो। अरे के भाई के पर्वतों रे पहला पंख बहता बहता ए पर्वत वटे आया। अरे और बड़ा बड़ा सात पर्वत हमा आबू लगान जितना बड़ा पर्वत था सब आई गया। सबों ने क्यों के कोई न कोई सूर वीरता ही करो करो इन ब्रह्म खाड में पड़ो पड़ो ताकि गौ माता आबाद रह सके, मोरी गायों नहीं मरे। जय हो। छह बड़ा बड़ा पर्वत नटकिया कैसा हो को माऊ नहीं वेला, क्योंकि ब्रह्म खाड तो हजारों कोस उड़ो है। अरे अरे शायद इनमें पड़ो सीधो रसातल पाताल में जाओ तो रक्षा कौन करे। अरे अरे अबू हैंगो छोटो थो। अरे अबू क्यों कैसा मैं इन ब्रह्म खाड में पड़ सकू खमा, लेकिन एक बात है मैंने कुछ दिन भोलेनाथ शंकर भगवान री तपस्या करनी पड़ेगा। अरे अरे क्यों करो करो एक दो गाय और जाएला बाकी तो कोई। अरे अरे ऋषि मुनि इंतजार कर रिया है। और आबू रात हमा भोलेनाथ री तपस्या करवा लगा, कुछ ही दिनों में हमा शंकर भगवान प्रकट हो गया। अरे और आबू राज ने क्यों मांग जय हो। आबू राज के ऋषि मुनि मने बुलायो है हमा अने ब्रह्म खाड में पड़े रियो गायों री रक्षा रे वास्ते। अरे सुनिएगा अंडरलाइन पॉइंट है, जय हो। मैं गायों री रक्षा रे वास्ते इन ब्रह्म खाड में पड़ू पड़ू लेकिन यू नहीं वे के मारो बहुत टनो बंद वजन है, मैं कटी पाताल में प्रो जाऊं। अरे अरे शंकर भगवान के मैं रक्षा करूला, जय हो, थने पाताल में नहीं जावा दूला हमा, और कुछ वरदान और देना पड़ेला। अरे क्यों बोल आबू, बोलो के छे भाई राजा है। अरे तो मने भी आबू राजरी पद्मी मननी छे जे, जय हो, के जा थू आज थी गौ माता री सेवा करेला थू भी आबू राज है राज है। अरे और रहना हिंदू संस्कृति नहीं अपितु विश्व रा कोई भी साधु संत अरे कोई भी प्रांत में कोई भी कंट्री में कोई भी देश में अरे भक्ति करे ईश्वरी, लेकिन एक रात दो रात हमा मारे आबू माते आवे न माला नी फेरे अरे तो वरना भजन रो फल नी मिलनो छे जे, जय हो। क्यों जा आबू राज, कोई भी संत केड़ो भी भजन करेला अरे और आबू माते आवे ईश्वर रो नाम नी लिए तो वरनी माला नी पाकेला, जय हो। ओ भी भोलेनाथ वरदान दियो दियो फेर अरे मारे माते बारो बार वारी स्वेनी छे जे। अरे हाथ काली पड़े नी हाँ। तो आबू माते आ भाद्रवे मीने जाजो प्रातः समय दो चार छोटो पड़ेला, लेकिन वरसाद जरूर बारो बार थारे माते बारिश वेला। अरे और मरवाती जीवा तक अरे जत्री जुड़ी बूटियां हाँ। सब मारे माते अवेलेबल वेणी छे जय हो। भोलेनाथ क्यों जा थारे माते अरे मरवा जीवा तक री जत्री जुड़ी बूटी सब माते अवेलेबल वेला, जय हो। और मारे माते 33 करोड़ देवी देवतों रो वास वेणो छे जे। खमा खमा आप अलग अलग जगह जाइने आप गंगा ने मनावो, यमुना ने मनावो, त्रिवेणी संगम मनावो, और कोई गुरु महाराज रो भजन करो, कोई विष्णु भगवान री तपस्या करे, कोई ब्रह्मा जी री माला फेरे फेरे आबू माते जाए अरे और आप 33 करोड़ देवी देवतो रावण एक साथे कर लीजो आपरी मनोकामना पूर्ण भी जाएला। खमा खमा ओ भोलेनाथ वरदान दियो, जय हो, एडो वरदान दियो। अरे और फिर आबू राज पण ब्रह्म खाड में पड़वा लागो। अरे उन समय आबू राज छह भाग अरे जमी में जाता रिया। खमा खमा आबू पुकार करी के हे भोलेनाथ अरे हमें मारो एक भाग बारे रियो, अबार जो आबू पर्वत है वो एक भाग बारे, जय हो, छह भाग जमीन में अरे और जन्मे लास्ट जो अंतिम भाग है अरे वो भोलेनाथ रा वरदान सु सोनो रो सपन पियाले आबू सोवनो शंकर पेड़ी सड़िया सड़िया। अरे बारी बारी आबू धाम ने नायो प्रातक्ष जड़िया जड़िया खमा ऊंचा असलगढ़ रा मालिया देव मोहन 33 करोड़ मलिया मलिया। अरे बारी बारी आबू धाम ने नायो प्रातक्ष जड़िया डोरी घनी दत्ता टेकरी वटे कोई ऋषि मुनि छड़िया छड़िया। अरे बारी बारी धाबू आबू धाम ने नायो प्रातक्ष जड़िया है।
उसा असल गडरा मालिया देवमो ने 33 करोड़ मलिया मलिया अरे वारी वारी आबू धाम ने नायो प्रत्यक्ष झड़िया है ये पुण्य है हमा गौ माता की सेवा जय हो। तो भक्तो भाकर ने भगवान तार सके तो पे तो मिनक हो जय हो। यदि तन मंती आप कुछ समय के लिए गौ माता की सेवा करना हमा भगवान आपका बेड़ा पार करे पार जय हो। बोले श्री गौ माते की जय हो। ये सुनता है देखिए आप ताले बजा दे एक बार जोरदार। सभी से निवेदन कर रहा हूं कि संत महात्माओं की वाणियों को इस मंच की ओर से बहुत सुंदरतम तरीके से बाबजी जोग भारती जी आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के ये दो कलाकार ऐसे हैं जो संत महात्माओं की पुरानी वाणियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप देखिए मोरूडा और बरस बरस मारा इंद्र राजे चलवा रहा है, बाकी ये चीजों बहुत कम सुनवान मिलेगा। बिल्कुल हकीकत बात है। मैं चाहूँ एक बार जोरदार ताले बजा स्वागत कर जाओ। बोली सी गौ मात की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और बाप जी से प्रेरणा लेके बहुत सारे संत महात्माओं के आशीर्वाद से या कई भक्तों ने जो राशि भेंट की उसके लिए मैं इस मंच की ओर से बहुत साधुवाद प्रदान करता हूँ। और देखिए आदरणीय श्याम जी पालीवाल ने आपके बीच में आकर गौ माता के लिए झोली फैलाई है, तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि देखिए गौ भक्त के नाम से पूरा राजस्थान जिनको जानता है। और आज गौ माता की श्रद्धा है, तू गौ माता के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए आज आपकी सेवा में गौ माता की सेवा में अपना तन मन और धन तीनों चीजें प्रदान की। और आपको बता दूं कि इनके साथ साथ में 21,000 रुपए का सहयोग श्रीमान श्याम जी पालीवाल की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें, क्योंकि ऐसे कलाकार बहुत कम देखने को मिलते हैं। कि देखिए किसी भी काम को करने से पहले खुद को करना पड़ता है। एक संत महात्मा के पास एक माँ अपने बेटे को लेकर गई, उसने कहा कि मेरा बेटा जो है मिठाई बहुत खाता है, इसकी आदत को छुड़वाने का प्रयास करें। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि आप 5 दिन के बाद आना। बड़ा आश्चर्यजनक उत्तर था, लेकिन उस बच्चे की मां ने विचार करके वो घर गई। और 5 दिन के बाद में जब वापिस आई और उसने उस साधु महात्मा ने उस बच्चे को ऐसा मंत्र दिया और उस मंत्र के साथ में उसने मीठा खाना छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उस मां ने उसको पूछ लिया संत महात्माओं को कि महात्मा जी आप ये बताइए कि आपने 5 दिन बाद में आने को क्यों कहा। बड़ा सुंदर जवाब दिया महात्मा जी ने कि जब आप मेरे पास इस बच्चे को लेकर आई थी तो मेरी भी आदत ऐसी थी कि मैं भी मीठा खाता था। अब 5 दिन में मैंने मीठा खाने की आदत छोड़ी, उसके बाद में मैंने इसको मंत्र दिया। तो ये इस मंच की ओर से मेरे कहने का जो भाव है, ये गौ माता के प्रति जो श्रद्धा दोनों कलाकार मंच पर है, इन दोनों के घर में 3-3, 4-4 गाय हैं। मैं आपको बता दूं इससे बड़ी कोई बात नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि खुद करके फिर दूसरों को प्रेरित करना कि आप अपने घर में गौ माता को रखिए, उनकी सेवा कीजिए। और इस भावनाओं के साथ में 21,000 रुपए का सहयोग भी दिया और महात्मा जी से आशीर्वाद भी लिया और आपके बीच में झोली लेकर भी आप तक पहुंचे, ऐसे हमारे श्याम जी पालीवाल और जोग भारती जी। और 11,000 रुपए का सहयोग श्रीमान गौतम चंद जी मुल्तान मल जी चोपड़ा फर्म यूनिवर्सल सिंथेटिक्स बालोत्रा, एक बार जोरदार तालियां बजा के इनके लिए भी आप आशीर्वाद प्रदान करें। और 21,000 रुपए का सहयोग श्री देवाराम जी सिहाग सोनाना डाइंग बालोत्रा, उनकी ओर से जोरदार तालियां बजाएं। और 21,000 रुपए का सहयोग श्रीमान खुमाराम जी थोरी चौधरी धुपाई उद्योग, उनकी ओर से भेंट की है जोरदार तालियां। और 21,000 रुपए का सहयोग श्रीमान वीरदाराम जी सारण महालक्ष्मी फिनिशिंग, उनकी ओर से भेंट किए हैं। और 21,000 रुपए का सहयोग श्रीमान भूरा राम जी सारण श्री विनायक इलेक्ट्रॉनिक्स। और 21,000 रुपए श्रीमान चुनीलाल जी कांकड़ श्री महादेव वॉशिंग, एक बार जोरदार तालियां इन सभी भक्तों के लिए बजा के आशीर्वाद दें कि संत महात्माओं के सानिध्य में संत महात्माओं से आशीर्वाद लेके इन्होंने अपना अमूल्य समय और धन प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा 1100 रुपए 51,000 रुपए का सहयोग बहन श्री 1008 श्री ओमकार भारती जी महाराज, तालियां तो बजनी चाहिए आपकी। 5,00,000 रुपए का सहयोग इससे पहले महाराज श्री यहाँ प्रदान कर चुके हैं आशीर्वाद के साथ साथ धन वर्षा। जैसे कि जो भारती जी ने अभी आपको कहा था बाप जी ने कि संत महात्मा जब हमारे घर आते तो उनको हम उल्टी भेंट पूजा प्रदान करते हैं, लेकिन आज संत महात्मा खुद देखकर जा रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। हमारे लिए जोरदार तालियां बजाए ओमकार भारती जी महाराज की ओर से 51,000 रुपए का सहयोग भेंट किया, खूब खूब धन्यवाद। 1100 रुपए श्रीमान चौधरी नवयुग मंडल पनोत्री नाड़ी टापरा, खूब खूब धन्यवाद। 5,100 रुपए श्री चेतन भारती जी काकराला, 3,200 रुपए राम भरोसे गुप्त दान किया है, 1,100 रुपए माफ कीजिए 11,000 शंकर लाल जी गीगा राम जी घाची बालोत्रा, और 2,100 रुपए श्रीमान नेमा राम जी जयराम जी चौधरी पनोत्री नाड़ी
टापरा, जोरदार ताले बजा के इनका आशीर्वाद दें। ₹5100 श्रीमान चुन्नी लाल जी प्रजापत, सहारा इंडिया परिवार बालोत्रा। ₹5100 का सहयोग श्रीमान ईशु भाई भोटकर की ओर से भेंट किए हैं, खूब खूब धन्यवाद। नाम लिख ले, जोरदार तालियां। ₹1000 जैसा राम जी सुथार बालोत्रा। ₹11000 का जो सहयोग मैंने नाम बोला था इससे पहले, गौतम चंद जी मुल्तानमल जी चोपड़ा, गौतम चंद जी मोहन लाल जी चोपड़ा, इन दोनों की ओर से फर्म यूनिवर्सल सिंथेटिक बालोत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ₹5100 ब्राह्मण श्री मुकना राम जी जानियाना, ₹5100 श्री वीरा राम जी हनुमान राम जी सहू बालोत्रा, ₹500 श्री विजय राम जी ब्राह्मण भीमड़ा, ₹500 श्री चित्रा राम जी जाट फलोदी, ₹500 श्री केसर राम जी खुमार राम जी चवा, ₹500 श्री जगदीश जी कालेवा, ₹21000 श्री देवा राम जी सिहाद सोनाना डाइंग बालोत्रा, ये नाम पहले बोल चुके हैं, खूब खूब धन्यवाद। इनके अलावा ₹101000 जोरदार तालियां बजाएं। ₹101000 श्री लच्छी राम जी सुथार, राहुल जी थाना राम जी सुथार, LR हैंडीकॉप्ट वालों की तरफ से है, खूब खूब धन्यवाद। और ₹111000 इससे पहले भी दे चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां। बोल सी गौ मात की जय हो। इनके अलावा ₹111000 श्रीमान टिन सेट के लिए इन्होंने भेंट किए हैं, बाबूलाल जी चिमना राम जी सुथार सिंदरी, जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। ₹31000 बाबूलाल जी चिमना राम जी सुथार सिंदरी महाप्रसादी हेतु भेंट किए हैं। ₹111000 श्रीमान रामा राम जी वीरा राम जी सुथार भूका टिन सेट के लिए भेंट किए, जोरदार तालियां। और ₹111000 श्रीमान मिश्रा राम जी टीकमा राम जी और सुथार सिडली सेट टीम के लिए प्रदान किए हैं। और ₹11000 का सहयोग श्रीमान कुशला राम जी स्वरूप दीपा राम जी सुथार सिंदरी, जोरदार तालियां इन सभी भक्तों के लिए। और आपने जो झोली में जो पैसे डाले हैं इस मंच पर जैसा कि आदेश हुआ, उनके ओर से बाप जी ₹31000 झोली में आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी के लिए। बोल सी गौ मात की जय हो। पहले सहयोग दिया था उनके नाम नहीं आए थे। ₹51000 श्रीमान चुनी लाल जी काकड़, ₹51000 श्रीमान पूना राम जी थोरी और ₹31000 भूर जी सारण की ओर से भेंट किए हैं, खूब खूब धन्यवाद। उनका नाम जो पहले नहीं आया था, बोल सी गौ मात की जय हो। इसी प्रकार की भावना आप सबके साथ में बनी रहे, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले की घटना है, कुछ महीने पहले केरल में जो खुलेआम जो घटना हुई थी और बिल्कुल गायों को जो काटा गया था, ये हम सबकी कमजोरी को एक प्रदर्शन हुआ कमजोरी का। और आज जिस प्रकार का सहयोग आपने किया है बाप जी के सानिध्य में, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि पूरे विश्व से गाय को मां कहलवा देते, कि पूरे विश्व से गाय को मां कहलवा देते और हर एक प्राणी से गाय की सेवा करवा देते। और एकता नहीं है हम सभी हिंदुओं में, वरना घर घर तो क्या कत्ल खानों में गाय की पूजा करवा देते। बिल्कुल हम सबकी एकताओं की आवश्यकता है। बोल सी गौ मात की जय हो, खूब खूब धन्यवाद। आइएगा एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, उसी देसी अंदाज में संतों की वाणियों के साथ में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान पूज्य जोग भारती जी महाराज देव की जय हो। क्योंकि देखो आज जो भी आयो है निश्चित रूप हूं ₹50 ₹100, हाँ कम से कम ₹100 दिए होंगे, इससे कम तो दिए ही नहीं है। लगभग आज सभी कुछ ना कुछ देकर जा रहे हैं, किसी ने ₹500 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने मतलब इससे पहले बाप जी ने जब शुरुआत की थी ओमकार भारती जी महाराज ने, तो ₹500,000 का भी सहयोग इस गौशाला में आ चुका है। तो निश्चित रूप से अपनी भावना है, देखो बिल्कुल टाइम पास रहा मकसद हूँ, आज कोई नहीं आयो डाटे, एक कोई भगत मेले में गियो घूमण वास्ते है। देखो वो घरों एक विचार करना आलियो कि आज जेब में रुपये एक ही नहीं है, लेकिन आज अपन मेले रो पूरा आनंद लेना आवनो है। और जो ही मेले रे मैंने प्रवेश करियो, रुपये एक ही नहीं जेब में, लेकिन विचारो फाइनल हो गया आज मेले रो पूरा आनंद लेना, मिठाई विठाई खाने जाऊँ ही नहीं आऊँ मैं। अब जो ही मेले में प्रवेश करियो, एक मिठाई री दुकान माते गयो और मिठाई री दुकान मा जान भाई साहब दुकान वाला ने पूछो कि भाई साहब क्या मिठाई कई भाव है, कि कई आइटम चाहिए, कि मारे जलेबी चाहिए, कि 100 ग्राम जलेबी दे दे। अब 100 ग्राम जलेबी ले ली और खावण नो विचार करियो और एक दिमाग में बात आई कि आज तो अपन बिल्कुल फोकट में खावनी है,
और फोकट में जड़े भी क्यों खाऊं, कोई दूजी डंगरी चीज लेना जो काम भेजे अपन। अबे जो ही जलेबी खाऊं तो विचार करियो और दुकान वाला ने पाछी दे दी जलेबी के, आ बेटा तू पाछी ले ले और इन्हें बदले मैंने 100 ग्राम मावो दी दे। अबे 100 ग्राम मावो लियो और खावण मन में विचार करियो और एक दिमाग में पाछी बात आ गई आज अपन खावणो तो बिल्कुल फोकट में है और फोकट में खाओ जना मावो क्यों खाओ, आज कोई डंगरी चीज ले बढ़िया। और मावो दे दियो दुकान वाले ने पाछा और उन्हें बदले में ले लिया 100 ग्राम पेड़ा। अबे 100 ग्राम पेड़ा खाया, मोटे माते हाथ फेरियो और रवाने वेगो, रवाने वेन दुकान वाले पाछे बुलाया गए भाई अटे 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 एक पेड़ा रपैया कौन दे, के कौन सा पेड़ा, के जका ते खाया जका, के पेड़ा तो मैं लिया था मावेरे बदले में, तो मावे रपैया तो दे भाई, के मावो लियो मैं जलेबी रे बदले में, तो जलेबी रपैया, जलेबी खाई को नहीं मैं, जलेबी खाधी कने मैं खाधी नहीं, तुम रुपया काटना तू, के बिल्कुल टाइम पास रहा मकसद तो कोई नहीं आयोडो आज, क्योंकि हम सभी आज गौ माता की भक्ति हेतु आए हुए हैं और गौ माता की भक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ में तन से मन से और धन से तीनों भावों से जुड़कर आज हमने भक्ति की है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा एक बार फिर से जोरदार जयकारे के साथ में बोल सी गौ मात की जय हो जय हो। खूब खूब धन्यवाद मंच पर। क्या बात है, वक्ता राम जी सनोप श्री मोड़ा राम जी पालीवाल उनकी ओर से 25,000 रुपए का सहयोग मिला एक बार। कैसी कुबधा की प्रीत कैसो भेदी घरवासो, बहता नाग नहीं छेड़िए पूछ पटक पाचा गिने, बेताल कहे सुनो नर विक्रम इतरा काम मूर्ख करे। सुबह गौ माता रे पहलो भोजन कृष्णा राम जी गोदारा री तरफ से एक बार ताले बजाए 11,000 रुपए एक बार दोनों हाथों को उठा करके ताली बजाए। वाह वाह भाई कृष्ण भगवान वाह, जय हो आपकी। एक हिली भजन और प्रस्तुत कर रहा हूं जोड़े के साथ में। मजबूत पणो रखनो दिल ने, मजबूत हमेशा रखनो दिल ने, दिल को दरियाव दर्शावणो ना, चलनो बडरीत कुलन की, बिन स्वार्थ बैर बसावणो ना। उपकार भला तो हो तो हो, पर हरी ही ऐसे हेत हटावणो ना, चिमनेश कहे सदा हसरेणो, मर जावणो है फिर आवणो ना। रामचरण महाराज का और कठिन त्याग बैराग, सूता शेर जगाविया पछी उडे पलीता आग, उडे पलीता आग धार खांडेरी चलना, अरे काजल के घर माय भाई उजड़ा कपड़ा रेना, उजड़ा कपड़ा रे भला। और नई लगन दे दाग रामचरण महाराज का ये कठिन त्याग बेरा, पहलो नाम परमेश्वर को जग मंडियो हो जोय, नर मूर्ख समझे नहीं भाई हरि करे सोई, ओ भक्ति करे पाताल में प्रकट होय आसमान, ए दाबी दूबी आ रहे नर कस्तूरी की का। माया की बात बताई संत तुलसीदास जी ने, ये माया है दो प्रकार की, ये माया
ये माया है दो प्रकार की, जो कोई नीति से खाय, एक मिलावे मेरे राम से आदू जी नरक ले जा। लेखो है राई राई रोन राजनीय पोपा बाई रो। आदमी मकान बनावे जना कतरो खुश वे, क्या हाँ आपे तो करोड़ों रुपया लगाए मकान बनायो है, तो वो भगवान अपन बनाए कतरो खुश वे। तो भाई हम एक बात सोचो, आप एक करोड़ रुपया में मकान बनावो, वो मकान भी एक महीना बाद में पड़े तो कतरो दुख वे अपने। अरे 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 कोई न कोई तो गड़बड़ी रही है। हमें बताओ कि वो आदमी वो परमात्मा अपने बनाया हो, वो मकान बनायो अपनो, अन मकान में अगर एक आंख नहीं वेती तो कतरो दुख वे तो अपने। के हंगवानी दो दो दिन अपने एक दी, एक हाथ अगर तो ही दुख वे तो अपने, एक पग नहीं तो ही दुख वे तो अपने है? सोचो कभी घर बैठा हुआ कभी न कभी सोचो कि आपे मकान बनाओ वो गिर जावे नहीं, या कोई कोई पंडित जी आवे ना ऐसा आलबरी अट नहीं अट लगावनी थी नक्शा हिसाब हूं या शास्त्रों रे हिसाब हूं वास्तु हिसाब हूं आ रसोई तारे गलत है तो वह रसोई ने पटकावे पटकावे नहीं पटके पाचो पंडित जी रे कहवा हूं पाछी बज। कभी सोचना घर पे बैठे बैठे बे, ये गाने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ करने से होता है। आज मैं कह रही हूं तो पहले मेरे घर पे मैं तो सत्य बात कहने वाला हूं, अगर मैं कह रहा हूं तो मेरे घर पे गाय है इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मैं गाय की सेवा करता हूं, माँ मारी माँ है, मारे पिताजी है, वे गौरी सेवा करे गायों ने। आज भी बालोत्र है, सब कटी दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि अपे जन धर्म जुड़ी होना, पहला तो अपे कह रहे हो सनातन, जिस धर्म का कभी अंत नहीं होता उस धर्म का नाम है सनातन। हम सनातन धर्म रा जो अपना लेख है, जो वे बातों है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, वे दबाई क्यों राखो आपे? आप खुला पन्ना में करो नहीं कोई के सत्य बात साच को आँच नहीं, जो सही बात है वह कहवारी ताकत रखो तो वो बेड़ो पार यूं ही भेजा वेला। रामचरण महाराज का कठिन त्याग बैराग, सूता शेर जगाविया उड़े पलीता आग धार खोंडेरी चलना, काजल के गरमाए उजड़ा कपड़ा रहना। वो पूरो संसार काजल की कोटड़ी है, अणमु जो को साफ साफ कपड़ा जने राखिया है। आप देख लो बनौरी नौ में बनौरी प्रतिमा पूजी जे खेताराम जी वो खेम बाबो वो जसना जी महाराज वो या श्रीयादे माता वो या अणदो जी सोनी वो बक्सो जी खाती वो ये जितनी भी प्रतिमाओं पूजी रही है जके भी नौम वेरिया जके भी वाणियों गावेरिया भजन रो जागरण रो महत्व जागरण कुछ जाके ग्रहण करना जने ग्रहण करियो है। वणोरा हिज गुणगान वेरिया है, वणोरो हिज नौम पूरी रात्रि ले रिया है। रामदेव जी महाराज हरबू पाबू रामदेव जाम्बो जी जसनाथ अरबू पाबू रामदेव जाम्बो जी जसनाथ ए पहुंची पीर उगाए ने पहुंची गौ माता री सेवा करी अणवास्ते अणोरो नाम अमर है। तो कुछ करेंगे तो नाम जरूर होगा जी। महात्माओं ने यहां तक लिख दिया हाथी मरो अंकुश नहीं माने, इतने नहीं तो पशु नहीं मन्ना के कोमरा नहीं है तो जीवता ही मुआरे समान है। किता हाथी मरो अंकुश नहीं माने और राजा मरो ना प्रजा हित, आती मरो अंकुश नहीं माने, राजा मरो ना प्रजा हित, पुत्र मरो वचन नहीं माने, कुल लजावण मरो कपूत, मरो तुरंग तुरंग कहवे घोड़ा ने, मरो तुरंग लगाम नहीं माने और मुझे बेणा ऊंट मरो, दोजो मरो देनी दोवा माटो खोटो बल्द मरो, स्त्री मरो कुलकणे होंगे और तिरेसो मरो अतीत, आप स्वार्थी मरो आदमी सत सोड़ेसो मरो सती, बनिया बिना ब्राह्मण मरो जंत्र मंत्र बिना मरो जती, दया धर्म बिना मरो वाणियों रण भागेशो मरो रजपूत, ठाए बिन ठाकर मरो डायप घणी देनी दान, बेताल कहे सुनो नर विक्रम इतरा नर जिए सोई मुए रे समान। आयो मौन करो फोटू लियोड़ो है फरे रियो तो कोई मतलब नहीं है, कुछ सुकृत काम नहीं करियो, पड़ोसी मीठो नहीं बोलियो, भाई भाई राजी नहीं रियो, बेटो बिन माँ बाप री सेवा नहीं करी तो पछे कोई मतलब नहीं है, खाली लिपा पारी तरफ है। आयो अनकटी फरतो रही कोई मन की बोलावन वाला है नहीं, अण वास्ते वे जितरो सुकृत करणो, अरे पया आज है न काले नहीं है, क्योंकि कद कद गाड़ रासू सिंह हार जावे, समय को भरोसो नहीं कद पलटी मार। अरे भाई समय रो क्यों, सदा रंक नहीं राव सदा मर्दंग नहीं बाजे, कोई जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री हागिज रहे, क्यों तो समय रो फेरे कंटे में चेंज भेजावे, कोई भरोसो नहीं है मुख्यमंत्री हागे रहे, सदा रंक नहीं राव सदा मर्दंग नहीं बाजे,
रोज आज मेरे घरे ढोल नहीं बाजे, वो तो मौको पड़ियो ब्याह वेजनो बाजे। सदा धूप नहीं छाव, सदा इंद्र नहीं गाजे, और सदा न जोवन फिर रहे, और सदा नहीं काला केश। बेताल कहे सुनो नर विक्रम, सदा नहीं राजा देश। समय समय में होता है समय समय की बात, एक समय का दिन बड़ा और एक समय की रात। कई दिन पहला हुरजी भगवान है वह हाथ बजे आत्मता, और हमें पुणी छह वजन सीधा मैं आ तो समय रो फेरे, जो समय ने कोई नहीं दीजी सक्यो, क्योंकि गुरुजनों रा वशिष्ठ मुनि और वणों नी जंगल में जानो पड़ियो, क्योंकि ये सब समय की फेर है। इन वास्ते संत कबीर साहब ने बड़ी समझ से वाणी लिखी है कि संगत कोई अच्छा आदमी री, कोई अच्छी गौशाला में या कोई अच्छे धर्म रे काम आते आवो, तो वरना ही जमीनक के मिनक दुनिया में मोकड़ा मिनको तनो हगाड़, और जिन मिनखा में मिनक पणो बिन मिनखोरो, मिनक मिनक में अंतर है मिनक मिनक में फेर, गणा मिनक तो रति रति कोई से शवा शेर, ढोर गड़नता मिनक करियो भगवान कह रिया है, ढोर गड़नता मिनक करियो के बड़ावनो तो कोई ढोर तो पाडो तो वा भी गा नहीं। एक आपको बता रहा हूं मैं आप सभी को जो युवा बैठे है कि गा में भय में फर्क हो, मारसा विराजमान है, गाय और भैंस में क्या फर्क। आपरे घर में अगर दो बच्चा वे तो एक ने 12 साल तक गाय रो दूध पिलावजो और एक ने 12 साल तक भैंस रो, फिर आप रखो आपकी इच्छा है। अब जो भैंस रो दूध पी रही हो बारे बुद्धि न बावड़े सोड़े कड़ा नहीं हो और विषानी वजवजियो पसे भलारी वाटना जो बेटा नेचुरल। अब गाय वालों जो दूध पी रही हो वो बेटो सत्य बात बताओ, ये मां सरस्वती का मंच है, झूठ बोलू तो जबान कट जाए, ये मां सरस्वती का मंच है, ये व्यासपीठ है। अगर जो गाय रो दूध पी रही है वो बच्चों आपरो संस्कारी बनेला, वो आपरी हर बात ने मानेला, आपरो हर जवाब सही तरीका सोच समझे ने देला। आप और दृष्टांत बताऊ, आप रोड माते जा रिया हो, आप रोड रोड जा रिया हो और कोई भैंस अगर आ गई तो हेरियो छोटो है थोड़ी जगह है गन में निकल सके, अगर कोई भैंस आ गई आप कितना भी हॉर्न दोला तो यह भैंस आप रहे हम वाली उड़ी जुबी रहला, वह हटवा वाली नहीं है। और गाय ने थोड़ा सो हॉर्न दे जो गाय एकदम साइड में भेजा वेला, ये गाय के गुण है। अणवास्ते अपे अपे गाय ने माता कया करो, अणवास्ते जत्रो वे सके जत्रो बेटो जिनटे में समझे, तो हेंगू पहला तो बेटा ने चाय नहीं पिलावनी, इन बातों थोड़ो ध्यान रख जो, क्योंकि आ चाय यानी एसिडिटी री सबू बड़ी प्रॉब्लम है। एसिडिटी जुको भी वे चाय री वजू वे, अंग्रेज गया तीन चीज छोड़े न गया, अंग्रेजी बोलनी अंग्रेजी बावड़े और अंग्रेजी चाय। अणवास्ते वे जगह बेटो जिनटे में समझवा लागे उनटे में बेटा ने चाय नहीं पिलानी, बेटा ने गाय रो दूध पिलाणो, अण बातरो हमेशा ध्यान रखनो बच्चा है, क्योंकि मर्दारी शकल बिगाड़ी चाय बड़ी चंडाल, और जत्रो वे सके तो गाय री घर में दूध री चाय बनावनी, अन बात रो ध्यान रखियो। जो संस्कार है अपना बेन गाय रे दूध हुई मिल सके, ए डोकरा री छोरा सेवा कर सके तो गाय रो दूध पियेला तो ही कर सके, बेवाड़ो दूध पावला तो थोड़ी सेवा नहीं करे, ध्यान रख जो आप। इंद्र कहवे साग बेटियों की हावरे बेटा बुआ जुआ, बेटियों की हावरे बेटा बुआ जुआ, डोकरी कहवे डोकरा ने हता जड़ा हुआ।